Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's a new day and a new vlog. तो यार आज मैं दीदी मम्मी और अंकिता और जॉली अंकिता जॉली को पकड़े हुए हैं। हम सब गुरुद्वारे जा रहे हैं और रास्ते में अभी अभी निकले हैं यार घर से। और जॉली आ गई ब्लॉग में, जॉली ने बो भी लगा रखा है। तो यार सब आज गुरुद्वारे जा रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है। एंड अभी ब्लॉग स्टार्ट किया, अभी सुबह उठा था ब्रेकफास्ट एंड ऑल करके। अभी कितना बज रहा है कि 12 बज रहे हैं, अब जा रहे हैं, चलो वहाँ चल के कंटिन्यू करते हैं। तो यार अभी मम्मी लोग चले गए हैं, देख सकते हो जा रहे हैं। एंड मम्मी आटा लेके गई हैं और केले यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यार जब मम्मी लोगों के आएंगे तब हम लोग जाएंगे, क्योंकि जॉली जो है वो परेशान तो दोनों में ही होगी। जब ये जाएगी तो परेशान होगी, जब मम्मी जाएंगी तो परेशान होगी। मैं कहीं चला जाऊं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉली तो यार चलो, जैसे ही मम्मी होके आती है फिर हम लोग जाते हैं। जॉली आगे आ गई यार, बैठे बैठे ब्लॉग बंद किया जैसे ही मैंने, वैसे ही आगे आ गई और बैठी हुई है। इसलिए दीदी ने बाहर उतर के गेट खोला, जैसे ही पीछे जा रही थी दीदी, इसको लगा दीदी भी जा रही है, तो ये आगे आ गई और दीदी एकदम से गेट खोल के खड़ी हुई है। फिर जॉली लो आराम से बैठी हुई है अपना भी। यार अभी मम्मी लोग वापस आ गए हैं, मैंने सर पे, मम्मी इसको क्या कहते हैं वैसे गुरुद्वारे में जाने के लिए, मेरे को वैसे मतलब स्पेसिफिक नेम नहीं पता। अब सर ढकने को पाक, वैसे तो पाक पहनते हैं, सिक्स पग पग दास्तन। ओके यार, अगर कोई सिख देख रहा होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। एनीवेज मैंने हेड को अपने कवर कर लिया है और फाइनली अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो यार एनीवेज मैं हूँ आया हूँ आपको बताऊँ, आइए। दीदी अभी अंदर ही है, तो दीदी अपना मतलब रिलीजियस प्रेइंग कर रही है। तो एनीवेज हम लोग वेट कर रहे हैं, मैंने हाथ धुल लिए है, मास्क लगाया रखा है। अंकल भी बैठे हुए हैं पीछे, देख सकते हो टेबल पे अंकल वहाँ बैठे हुए हैं। उनको मैंने बनानास दे दिए, अंकिता ने फ्लावर दे दिया, फ्लावर ना आटे को फ्लोर देते हैं तो क्या आटा नहीं आता। तो एनीवेज यार दीदी का वेट कर रहे हैं। मैंने FLOUR कहा। एनीवेज दीदी आ जाओ, उसके बाद मैंने ऐसे ही बोला कि चलो राउंड पे चलते हैं थोड़ा सा, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। यार अभी वापस आ चुके हैं और सब अपना घर में, मतलब मम्मी अभी आए हुए, तो टाइम हो गया एक्चुअली, मतलब 1 बजे आ गए थे और अभी 2 बज रहा है, 1 घंटा हो गया हुए। और मैं एक्चुअल में वीडियो में क्यों बार बार स्लीपी आउल पी रहा हूँ मैं बताता हूँ रीज़न उसका। क्योंकि यार देखो मैंने मंगाए बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और अलग से भी मिलते हैं, तो मैं बस अपना रिव्यू देना चाहता हूँ। तो जिस दिन भी मतलब एक दिन में एक पीता हूँ तो एक का रिव्यू मैं दे देता हूँ, कि मतलब आप लोग को भी पता रहे कि मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगा, आप वीडियो से रिलेट कर सको। और उसके बाद आप जब खुद मंगाने जाओगे तो आपको उसका पहले से पता रहेगा कि हाँ आपको कौन से टेस्ट का क्या चाहिए। तो यार मम्मी अभी लंच बना रही हैं, प्रिपेयर कर रही हैं, तब तक मैंने सोचा एक पी लेता हूँ। और बेसिकली इस टाइम पे 12-1 के आसपास मैं पीता था, पर आज देर हो गई है, 2 बज गया, तो मैं अभी स्वीट वाली पी रहा हूँ, देख सकते हो। हम लोग ने हेज़लनट ट्राई कर लिया, मोका ट्राई कर लिया, क्लासिक ट्राई कर लिया, 3 कर लिए हैं, 2 बचे हैं, एक ये और एक सॉल्टेड कैरमल। तो इसको खोलते हैं यार हर बार की तरह। तो ये उड़ा नहीं इस बार, वो वाली आवाज़ नहीं आई। एनीवेज चलो यार ट्राई करके देखते हैं भाई, ये बेस्ट है। मैं सॉल्टेड कैरमल पिए बिना कह रहा हूँ कि भाई ये बेस्ट है भाई, ये स्ट्रॉन्ग भी है, स्वीट भी है, बेस्ट है। सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर जो स्लीपी आउल कॉफ़ी का है वो स्वीट फ्लेवर है। एंड स्वीट सिर्फ स्लीपी आउल क्या, कहीं का भी कुछ भी स्वीट खाओ या पियो भाई वो हमेशा अच्छा ही होता है। पर यार ये आई गेस इज़ द बेस्ट फ्लेवर अमंगस्ट ऑल टिल नाउ, एंड सॉल्टेड कैरमल से भी अच्छा ही होगा ये, मैं पहले ही कह सकता हूँ। क्योंकि स्वीट स्वीट यार एकदम सही है, मतलब ज़्यादा मीठा भी नहीं है, और कैसे बताऊँ यार, मतलब ज़्यादा मीठा नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली स्ट्रॉन्ग है, एंड थर्ड ग्रेट टेस्ट। एनीवेज यार चलो इसको पीते हैं। अब लगा दिया था पैकिंग फिर से इस पर, हाँ इसको यार मैं पैक करके भी वापस से रख सकता हूँ, इसमें लिखा है कि आई कैन फिनिश इट विद इन 24 or 48, इट वॉज रिटन हाँ आफ्टर ओपनिंग, कीप रेफ्रिजरेटेड एंड यूज विद इन 2 days। सो एनीवेज यार चलो मैं तो पी के अभी ख़त्म करता हूँ, आप लोग भी जाके स्लीपी आउल को ऑर्डर कर सकते हो। कोई प्रमोशन नहीं है, मतलब कोई ऐसा मत सोचना वीडियो के थ्रू कि यार बंदा प्रमोट कर रहा है क्या, इसको प्रमोशन मिल गया, ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग माई ओपिनियन, दैट्स ऑल। So anyways, I'll just drink it, have lunch, then continue.
सो यार अभी ईशान आया था घर पे, देख सकते हैं इसकी शक्ल आप। हाय गाइस, काली है की आप सबको आज का छोटा सा प्लेजेंट सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज मैं बहुत प्लेजेंट सा व्लॉग बनाया, मतलब ज्यादा व्लॉग नहीं किया आज इतने कंटिन्यूस, लाइक 40 डेज के ब्लॉग्स के बाद मैंने सोचा एक डे ऑफ लेने का। आई होप यार आप समझ से इस चीज़ पे गुस्सा नहीं होंगे कि अगर मैंने एक डे ऑफ लिया। एनी वेज आई होप यू लाइक द ब्लॉग, एंड अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो यार लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।